आज की वीडियो हम बात करेंगे अबाउट हुआवे नोवा 10 प्रो के बारे में। इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट एंड प्राइस पाकिस्तान एंड इंडिया में बताऊंगा, इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा जो एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो सब कुछ बताऊंगा। जस्ट इस वीडियो में वीडियो कंप्लीट वॉच करें तो आपको यूट्यूब पर किसी भी मजीद वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। देखें बहुत ही जबरदस्त लुक्स के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल बेजलेस डिस्प्ले मिल रहा है हमें यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रंट पर हमें यहाँ पर डुअल कैमरास मिल जाते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ आ रहा है। बैक पर मुझे तो काफ़ी इसका इतना अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर जो कैमरा बम दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। आप बताएं मुझे कमेंट्स में कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बट बैक भी अच्छा है, फ्रंट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मोबाइल लग रहा है ये। एटलीस्ट ये जो लाइट कलर है इसका ही काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बनिस्बत डार्क कलर के। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी फोटो निकल कर आई है चाइना में, ये देखें चाइना में। अभी बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट की। तो लॉन्च डेट की मेरे नहीं ख्याल से एटलीस्ट ये अभी इसका इंटरनेशनली भी कोई लॉन्च होने का इरादा है। अगर लॉन्च हुआ इंटरनेशनली भी तो मेरे ख्याल से जुलाई में जाकर लॉन्च होगा, ठीक है ना, तो इंटरनेशनली तो पाकिस्तान और इंडिया में मेरे ख्याल से ये एंड ऑफ जुलाई में आएगा या जो शुरू में अगस्त में आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। तो ये लॉन्च डेट मैं बता दी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, ये कोई लीक एंड र्यूमर्स या मैं कोई सोर्सेज से बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ ये जल्दी लॉन्च कर दे, या फिर हो सकता है मैं सही साबित हो जाऊँ, या फिर हो सकता है ये जो मैं डेट बताई उससे भी ज़्यादा देर में करें, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस की मैं बात कर लूँगा ज़रा इसके स्पेक्स देखने के बाद, ठीक है। तो मैं जब आपको इंडिया पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ स्पेक्स के साथ प्राइस की बता दूंगा, क्योंकि अभी इसकी प्राइस भी कुछ कंफर्म नहीं। मेरे ख्याल से कम 500-600 डॉलर से कम का मोबाइल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर नोवा 10 प्रो डिज़ाइन एंड की फीचर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोवा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन में हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखें यहाँ पर नोवा में मिल रहा है 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊँ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। और तो यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है इन डिस्प्ले। और मज़ीद बात कर लें यहाँ पर इसका, मेरे ख्याल से अल्ट्रासोनिक होगा कि नहीं होगा ये कुछ मेंशन नहीं किया गया, बट जो स्पेक्स हैं ये पक्के सोर्सेज से आए हैं, मीन्स के इसके जो सोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बात कर लें यहाँ पर मज़ीद, देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोवा 10 प्रो है, ठीक है, यहाँ पर 100 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, 100 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर और 60 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल रहा है और 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि क्या रेजोल्यूशन होगी इसकी वीडियो की, बैक कैमरे वाले की, क्या बैक कैमरे वाला 8K बनाएगा या फ्रंट कैमरे वाला 4K बनाएगा, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो जब इसके एक्यूरेट स्पेक्स निकल कर आएंगे तब मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाकर प्रोवाइड दूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल आजमी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। मजीद बात कर लें तो यहाँ पर इसका ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसकी तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल कैमराज लिखा हुआ है बैक पर, ठीक है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है बैक पर। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सितंबर में, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें ज़रा, ये लास्ट ईयर जो 9 प्रो आया था वो सितंबर में अनवील किया गया था, तो अभी यहाँ पर लेस से ये सितंबर में आता है कि नहीं आता, ठीक है, मेरे ख्याल सितंबर में आ जाएगा ये, चाहे अर्ली सितंबर हो या लेट सितंबर हो, कुछ भी हो सकता है सितंबर में आ जाएगा ये। और यहाँ पर अगर बात कर लें यहाँ पर मजीद, तो मैं आपको इसके शुरू में बताया था कि ये जुलाई अगस्त में आ रहा है, तो मुझे इसका पता नहीं था कि यहाँ पर सितंबर लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से सितंबर में आएगा, लेस ये सितंबर में आता है, जुलाई अगस्त में आता है, ठीक है। तो प्राइस की भी बात कर लेते हैं, मुझे ये 500 या 600 डॉलर से कम का मोबाइल लग नहीं रहा, ठीक है, आगे हो भी सकता है ये 800-900 डॉलर का मोबाइल हो, तो मैं आपको कन्वर्ट करके इसकी प्राइस बता देता हूँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये इंडियन रुपीज से मैं कन्वर्ट किया है इसको, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस आ रही 1,44,000 और इंडिया में इसकी प्राइस है 55,000 रुपये, ठीक है, 55,000 इंडियन रुपी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं 1,44,000 पाकिस्तानी रुपी, ओके। तो सब कुछ बता दिया, इसकी रिलीज डेट बता दी, स्पेसिफिकेशन बता दी, जो एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन थी इसकी सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। तो जस्ट 5 मिनट के अंदर आपको काफ़ी गाइड कर दिया, आप जब
आप बताएं कमेंट्स में मुझे कैसी लगी वीडियो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें मजीद अपकमिंग मोबाइल्स की वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। स्मार्ट जितने भी गैजेट होते हैं, चाहे स्मार्ट वॉचेज हो, लैपटॉप वगैरह, सबकी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मिड रेंज से लेकर ऊपर है, यहाँ पर फ्लैगशिप तक सबकी वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।